महाराजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन जो थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उनसे ये बिल्ड किया गया था। जूती 25 ग्राम की? हाँ जी, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि 25 ग्राम की जूती मिल जाएगी। जूती मतलब वो राजस्थानी जूती होता है ना, पहले के पंखे नहीं होते थे, हम तो लोकल रहने वाले। वो खिड़की पे खिड़की इधर मूवी अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। और इसमें 953 झरोका लगाया गया है, 953। इंडिया के हर जगह पे भी जाइए, स्कैम वगैरह चलता रहता है, तो इससे थोड़ा बच के। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान। राजाओं के शहर राजस्थान में आपका स्वागत है, और ये मेरा पहला दिन है राजस्थान में, और मैं अभी खड़ा हूँ एकदम, ये स्टेशन है जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन स्टेशन के सामने ही मैं खड़ा हूँ, ये है चौराहा, और ये सामने देखिए तिरंगा उड़ रहा है बहुत लंबा चौड़ा। और मैं आज जाने वाला हूँ, कहाँ हम जाने वाले हैं? राजस्थानी बाजार जाने वाले हैं, वहाँ पे हवा महल भी है और कुछ जंतर मंतर भी है, तो वहाँ पे आज जाने वाले हैं। और ये भाई साहब के साथ जा रहा हूँ मैं, चलिए। और भाड़ा कुछ लगता है यहाँ से 10 या 20 रुपये कुछ लगता है, तो चलते हैं, आपसे मुलाकात होता है फिर जंतर मंतर और हवा महल के साथ। वहाँ पे क्या क्या फेमस है भाई राजस्थानी बाजार में? राजस्थानी बाजार में जैसे 100 ग्राम के रजाई है। 100 ग्राम की रजाई? हाँ। अच्छा, ये देखने लायक चीज़ है, कंफर्टेबल चीज़ है, मतलब मौसम का अनुसार रहती है दोनों साइड से। अच्छा, एक साइड से गर्म रहती है, एक साइड से ठंडा रहती है। अच्छा, तो रजाई में भी कुछ ऐसा मतलब देखने को मिलेगा आपको, फील करने को मिलेगा, एक हाँ। साइड पे गर्म और एक साइड पे ठंडा भी मिल जाएगा। गर्मी में उड़ोगे तो ठंड देगी, और सर्दी में उड़ोगे तो गर्माई देगी। और दूसरा आइटम यहाँ जी के की है 25 ग्राम की मोजड़ी। 25 ग्राम की जूती? सुती जूती? जूती, अच्छा जूती 25 ग्राम की? हाँ जी, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि 25 ग्राम की जूती मिल जाएगी। जूती मतलब वो राजस्थानी जूती होता है ना? हाँ, वैसा ही। और हर चीज़ की गारंटी है? हर चीज़ की गारंटी है, टूट ही निकल जाए जैसे महीने 6 महीने में टूट जाए तो उसको रिप्लेसमेंट पे भी ले लेते हैं आधी कीमत देकर। हम तो रिप्लेस करने आ नहीं पाएंगे फिर, वो खादी भंडार का काम है, खादी भंडार होता है। तो ये एक मार्केट है, पधारो जी मारे देश राजस्थान, पधारो जी मारे देश, पधारो मारे देश। इधर मूवी अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। हाँ, इधर मूवी अलाउ नहीं है, इसको बंद करो। तो मैं पहुंच गया पिंक सिटी, जिसे लोग कहते हैं पिंक सिटी ना, इंडिया का पिंक सिटी। तो ये है अपना पिंक सिटी, मतलब यहाँ पे जितने भी घर आप देखेंगे सब पिंक कलर के हैं, तो इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और ये है क्या जी अपना हवा महल, पहले क्या पंखे नहीं होते थे, हम तो लोकल रहने वाले। हाँ, वो खिड़की से लेते हैं, खिड़की में हवा वगैरह खाने के। अभी घूमने लायक सिटी पर चले वो अच्छा है, और जनता बंद कर रहे हो अच्छा है। नहीं वो जाने वाला रिक्शा पकड़ो 10 रुपये लेगा सिटी पहले। अच्छा, जनता मंद राजस्थान मार्केट से जो भी 11 बजे बंद हो जाएगा पहले वो जाने लेंगे, तो एक ही जगह पड़ेगा 1.5 किलोमीटर जनता मंद सिटी पहले राजस्थान मार्केट, ओनली 11 बजे खुला मिलेगा राजस्थान मार्केट। जैसे जयपुर जाएंगी रजे भी थी 100 ग्राम की देगी, राजस्थान मार्केट रखा है बैटरी रिक्शा पर 10 रुपये लेगा। ठीक है, तो भैया अगर आप घूमने आ रहे हैं इंडिया के हर जगह पे भी जाइए, स्कैम वगैरह चलता रहता है, तो इससे थोड़ा बच के। आपको पहले कहेंगे कि आप 10 रुपये में घुमा देंगे पूरा, पर ऐसा नहीं होता, कम से कम आपसे 1000 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पूरा घुमाने के लिए, मतलब जयपुर सिटी के अंदर पूरा घुमाने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये चार्ज करते हैं, और इसके साथ आपको 10-12 डेस्टिनेशन कवर करवा देते हैं, ये सही बात है। तो मैं अभी हूँ हवा महल के सामने,
ये है क्या जी अपना हवा महल। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह लेने की। ये कुछ फॉरेनर्स वगैरह आए हुए हैं। तो ये अपना है क्या जी हवा महल। अब इसके बारे में आपको अगर कुछ बताऊं तो ये है एक्चुअली महाराजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन जो थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उनसे ये बिल्ड किया गया था। एक मिनट। और इसको बनाया गया था 1799 में। महाराजा सवाई जय सिंह जो थे वो फाउंडर थे अपने जयपुर सिटी के, इस जयपुर सिटी के फाउंडर थे महाराजा सवाई जय सिंह, जिनके नाम पे ये शहर बसा है जयपुर। और आपको शायद मैं बताया था कि पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। आप यहाँ पे जितने भी मतलब मकान दुकान वगैरह है सब देखिए पिंक से रंग गया पूरा। और इसमें 953 झरोका लगाया गया है, 953। इसमें झरोका लगाया गया है क्योंकि पहले क्या होता है कि उतना इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी नहीं था, तो इसलिए 953 इसमें झरोका लगाया गया है, मतलब विंडोज़ जिसमें से हवा पास करते हैं, इसलिए इसका नाम है हवा महल। और यह है 5 मंजिला, 5th फ्लोर।